वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड विद अ न्यू फोन मोटराइज्ड शिफ्टिंग व्हील। देखो आजकल के बच्चे, मतलब ये लोग को इतना रश ड्राइविंग करना है, बाइक्स को देख के ये लोग साइकिल भी अच्छे से नहीं चला पा रहे। देन ये लोगों की वजह से भारत बिगड़ रहा है और हम लोग को इसका आलोचना करना चाहिए, तब ये सुधरेंगे। और हम लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी की कमी, अरे ये सब बच्चे जो है ये सब हरकतें करते हैं, इससे अच्छे पढ़ लेंगे, पूछो गा ना बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे, आईएएस बनेंगे, देश को संभालेंगे। तो नहीं, ये बोल कौन रहा है इसका फिजिक्स में 30 से कम, केमिस्ट्री में 500 से बच रहा है। अरे भाई ये सब क्या बोल रहा है, पर्सनल मैटर है। सॉरी केमिस्ट्री में कहां क्या बोला, केमिस्ट्री में आई डोंट नो। जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे दुर्गा पूजा हम लोग के यहाँ होगा तो आपको जरूर दिखाएंगे, तो आज है वो दिन। वैसे तो मैंने शूट किया था वीडियो, बट भाई मेरे पास इतना वीडियो पड़ा हुआ है ना, कंटिन्यूस वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट आज आपको दिखाएंगे। देखो बच्चों को मैं दिखाता हूँ, स्विच कर वो बच्चा, ठीक है, वो जो है टेढ़ा मेढ़ा जो है वो साइकिल चला रहा है। आज छोड़ के गिर जाएगा, माँ बाप का पैसा लगेगा उसमें बर्बादी, ये लोग खुद बर्बाद हो रहे हैं, मेंटेलिटी खराब है ये लोग का। देखो भाई रुक जाओ, क्या बोल रहा था, मैंने देखा 8-9 साल के बच्चे टेम्पू चलाते हैं यार, ऑटो चलाते, तो भाई ये तो दिखाता है कि पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। अभी मेरे घर के बगल में मेरा ही दोस्त का छोटा भाई जो कि 10 साल का, उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल गया है। 10 साल का बताओ, इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल गया है, एंड रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स ही अगर गलत सिखाएंगे तो बच्चा क्या सीखेगा, ये गेंडू जनरेशन है। अरे भाई कम से कम 14-15-16 का भी होने दो, 10-12 साल का बच्चा लोग को गाड़ी से घुमाए, यही तो गलत है भाई। इंडिया में मेंटेलिटी की बहुत कमी है, एंड अगर लोगों को बोलेंगे तो उनको बुरा लगता है, बाहर में जाए भाई, तुम लोग को सोचना चाहिए। बाद में बोलेंगे सब कि इंडिया डेवलप नहीं करता है, ये होता है एडवर्टाइजमेंट का, तो गाली कौन सुनेगा, मोदी को गाली देगा, फिर एडवर्टाइजमेंट होता है और तो मोदी को वोट। भाई समझो यार, समझो, जो मेरे ब्लॉग देख रहे बोलो तो समझना चाहिए। ओके भाई हाथ दर्द है यार, गायों का झुंड दिख चुका है वंस अगेन। डर लगता है यार, ये लोग, मेरे पे गाय था मैं उनको ठोक देने वाला था, तो कितना गाय है टकराया, ये लोग गुस्सा ढूंस देगा यार, ये लोग इधर भी खर्चा है उधर भी खर्चा है, हर जगह खर्चा है भाई। जस्ट वीडियो बना के आ रहे वो पहला वाला चैनल के लिए, भाई मेहनत तो लगता है ऐसा, अगर तुम लोग को लगता है कि बहुत ईजी होता है वीडियो बनाना तो एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो बनाना बहुत ईजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम, तुम वीडियो बना लोगे बट एडिट कर लोगे, एडिट करने के बाद तुम जब अपलोड करोगे तो तुम्हारे में मन मिलेगा भाई कैसा वीडियो था, पसंद आएगा नहीं आएगा, कितना व्यूज जाएगा कि नहीं जाएगा, लोग क्या कमेंट करेंगे, तो भाई फर्क पड़ता है। सो अगर तुम लोग को लगता है इजी है और तुम किसी को भी गाली देकर तुम चल जाते हो, मुझे तो कल नहीं पड़ा तक, बट अगर तुम किसी को गाली देते हो कि कमेंट में अरे भाई तू जाता नहीं, मैं तो एक बार तुम खुद ट्राई करो, बिकॉज जब तक इंसान को जब तक खुद रियलाइज नहीं होता है ना, तब तक वो दूसरा को फालतू समझता है। आई एम राइट? यस भाई, तो इसलिए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग उन्हें गालियाँ देते, भाई क्यों देते हो, एक बार तुम खुद ट्राई करके देखो। हाँ जो फालतू बना रहा है उसको बोलना है, जो हल्का वल्गर कंटेंट बना रहा है तो वो लोग को है, क्योंकि वो फालतू है वो लोग को, लेकिन वही लोगों को व्यूज़ मिलता है, तुम व्यू क्यों देखते कि वही लोगों को व्यूज़ मिलता है, फिर जब वो लोग फेमस हो जाएंगे तब बोलोगे भाई पढ़ाई की डिग्री खराब है। भाई व्यूज़ किसने दिया, तुमने, फेम किसने दिया, तुमने, एंड गाली किसने दिया, तुमने, तो सारे काम तो आप लोग ही कर रहे हो, सो समझ जाओ यार। पहला पंडाल वो एक सेकंड, वो अन टाइम देखेंगे, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा मंदिर, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे पंडाल नहीं बनता, इसलिए मंदिर में ही पूजा होता है एंड डेकोरेशन होता है। सो वो जो भी दिखा है वो अन टाइम दिखाएंगे, एंड अभी जो जा रहे हैं वो न्यू है, जो हम लोग गए थे दिखाते हैं यार, अब ज़्यादा भाषण नहीं करते, लेट्स गो, बिकॉज आप लोग वेट कर रहे थे एंड चांस आ गया, लेट्स गो। ये दूसरा पंडाल अभी सामने से जाके दिखाएंगे, ठीक है, देखो कितना सही लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, और कैसा लग रहा है, मतलब सही में बहुत अच्छा लग रहा है, लाइटनिंग बहुत अच्छा किया गया है। बाकी लोग वहाँ पे है, लोग बोलते कि मैं तेज चलता हूँ, भाई ये लोग को कोई बताओ कि ये लोग धीरे चलते हैं भाई, नॉर्मल स्पीड में इंसान नहीं, ये लोग स्नेल पहुँच जाएंगे, ये लोग 5 मिनट में, यही बात है, मतलब स्पीड चलते हैं, बिकॉज भाई क्या लेट करके क्या फायदा, स्पीड नहीं चलता है ना, तो नहीं चलता है स्पीड से, वो सब छोड़ो, आप लोग मंदिर देखो।
आई होप आप लोगों को विजुअल्स बहुत अच्छे लगे, बिकॉज बहुत टाइम लगा। एंड ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक टाइपिंग कर रहा है एंड एक कर रहा है, रे बोल रहा है, टाइप कर रहा है। तो प्लीज बताना विजुअल्स कैसा लगा, मैं ट्राई करूंगा कि बिना कॉपीराइट सॉन्ग, पता देखो ये सब डालते हैं ना, तो एक सॉन्ग अच्छा रहता है इसमें वो अच्छा लगे, बट भाई कॉपीराइट यूट्यूब का गाइडलाइंस यार बनाने को मजबूर कर देता है, तो बताना। एंड देखो हम लोग दूसरा जो है वो मंदिर आ चुके हैं, ये लोग अब लेट हो रहा है, तब से टाइपिंग कर रहा है, तब लेट नहीं हो रहा है, 5 मिनट टाइपिंग किया है, नहीं किया है बताना। तो टाइपिंग के तो चलते टाइपिंग कर रहे थे ना, चलते चलते कितना टाइपिंग होता है पता है, ये सब ज्यादा नहीं हुआ, गुस्सा हो गया लगता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, और मैं ट्राई करूंगा 2-3 वीडियो और आने का दुर्गा पूजा का, जब अच्छे से पूजा होगा तब ट्राई करके दिखाने का। तो आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, तो मिलते हैं जल्द, बाय बाय दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।